नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 21। क्या कृष्ण कभी दोबारा वृंदावन नहीं गए थे? ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक स्थान पर ऐसा वर्णन है, कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, मैं तुम्हारे दिए गए वचन को अवश्य सफल करूंगा। मैं स्वप्न में माता यशोदा और गोपियों के निकट जाऊंगा। यह सुनकर उद्धव अपने घर चले गए और कृष्ण स्वप्न में विरह से व्याकुल गोकुल में चले गए। वहां उन्होंने स्वप्न में राधा को भली भांति आश्वासन देकर परम दुर्लभ ज्ञान प्रदान किया। फिर क्रीड़ा करके उन गोपिकाओं को यथोचित संतुष्टि प्रदान की। ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 98 श्लोक 42-43। क्या कृष्ण ने अपने पहले पुत्र प्रद्युम्न को पहली बार उनकी युवा अवस्था में ही देखा था? जी हाँ, क्योंकि कृष्ण के सबसे बड़े पुत्र प्रद्युम्न का जन्म उनकी अनुपस्थिति में हुआ था और जन्म के सातवें दिन सौरगृह से ही सांबर नामक एक राक्षस ने उनका अपहरण कर लिया था। फिर सांबर ने उस नवजात शिशु को लेकर अपनी मायावती नामक दासी को पालने हेतु सौंप दिया था। कृष्ण रुक्मिणी की यह पुत्र देखने में बहुत सुंदर था, अतः ज्यों ज्यों प्रद्युम्न बड़ा होता गया त्यों त्यों उसके प्रति मायावती का अनुराग बढ़ने लगा। अंततः मायावती से अपनी वास्तविकता जानने के बाद प्रद्युम्न ने सांबर को मार डाला और मायावती को लेकर द्वारका वापस आ गया। जब वह द्वारका वापस आया तब तक वह युवा भी हो चुका था और विवाह भी कर चुका था। वैशंपायन जी ने कहा, ऋक्षवंत नामक नगर में महाअसुर सांबर का वध करके देवी मायावती को साथ लेकर प्रद्युम्न अपने पिता के नगर में आए। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 108 श्लोक 2। जब प्रद्युम्न और मायावती रुक्मिणी के महल में उनके सामने हुए तो रुक्मिणी अपने पुत्र को नहीं पहचान पाई और पूछी, बेटा, वह कौन सी भाग्यशालिनी माता है जो तुम जैसे चिरंजीवी पुत्र से पुत्रवती हुई है? मेघ के समान सांवले शरीर वाले तुम अपनी पत्नी के साथ किस लिए यहाँ पधारे हो? हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 108 श्लोक 15-16। उधर जब कृष्ण को पता चला कि रुक्मिणी के महल में एक आकर्षक परंतु अनजान युवक एक युवती के साथ आया है तो वे वहाँ दौड़े चले गए। वैशंपायन जी कहते हैं, कृष्ण ने कामदेव के लक्षण से संपन्न अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न को तथा पुत्र वधु मायावती को भी देखा। इससे उनके हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। फिर वे रुक्मिणी देवी से बोले, देवी, यह वही तुम्हारा पुत्र है जो इस समय धनुष धारण करके तुम्हारे पास आया है। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 108 श्लोक 21-22। कृष्ण बोले, यह तुम्हारे पुत्र की सती साध्वी शुभ लक्षण वाली पत्नी है। इसका नाम मायावती है और सम्ब्रासुर के घर में बहुत दिनों तक रही है। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 108 श्लोक 24। थोड़े से अंतर के साथ यही कथा भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 55 में भी मिलती है। मथुरा की कुब्जा क्या सच में कृष्ण की प्रेमिका थी? कुब्जा का कोई भी सीधा विवरण महाभारत में नहीं मिलता है, लेकिन हरिवंश पुराण, भागवत पुराण तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता आदि सभी पौराणिक ग्रंथों में कुब्जा का वर्णन अवश्य पाया जाता है। इन पौराणिक विवरणों के अनुसार कुब्जा कंस के राजमहल के अंतःपुर में सैरंध्री का काम करती थी। उसका काम राज परिवार के सदस्यों के लिए माला, उबटन, गंध, लेप आदि वस्तुओं को तैयार करना तथा लगाना था। और इन पौराणिक विवरणों के अनुसार कृष्ण और उसके बीच काफ़ी घनिष्ठता थी। यहाँ तक कि कुछ वर्ष
कुछ वर्षों बाद द्वारका रहने भी चली गई थी। ग्वालों को गोकुल से विस्थापित होकर वृंदावन जाने की सलाह किसने दी थी? ग्वालों को गोकुल से अन्यत्र विस्थापन करने की सलाह सर्वप्रथम कृष्ण ने ही दी थी। दरअसल गुरु गोकुल की हरियाली के कम होने का अनुभव सर्वप्रथम कृष्ण को ही हुआ था। हरिवंश पुराण में बड़े विस्तार के साथ कारण बताते हुए कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम से कहते हैं, वह स्वयं पायन जी कहते हैं, उसके बाद एक दिन दामोदर श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम तथा अन्य ग्वाल वालों से कहा, आर्य, अब इस वन में ग्वाल वालों के साथ खेलना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, हम लोग ने इस सारे वन को भोग में लाकर इसकी शोभा संपत्ति नष्ट कर दी है। यहाँ की घास चर ली गई है और काट तोड़ लिए गए हैं। गोपों ने यहाँ के एक एक वृक्ष को मत डाला है। जो वन और कानन पहले घने थे, वे अब आकाश के समान सुने दिखाई पड़ते हैं। इन्हें देखकर अब सुख नहीं मिलता है। जो घास और काठ बहुत नज़दीक थे, वे दूर तक की जोती हुई भूमियों में अब ढूंढने के योग रह गए हैं। इस वन में अब जल बहुत थोड़ा है, सूखे काठ और घास भी बहुत कम है। यह अब आश्रय लेने योग्य स्थान नहीं है। यहाँ विश्राम के लिए भूमि खोजनी पड़ती है। विरले ही वृक्ष बच पाए हैं, अतः इनकी बड़ी दारुण अवस्था हो गई है। यहाँ के वृक्ष अब काम के नहीं रह गए हैं। इन पर जो पक्षी रहते थे वे अब अन्यत्र चले गए हैं। इस विशाल बस्ती के लोगों ने यहाँ के वृक्षों को उजाड़ कर रख दिया है। पर्वतों की शोभा है घोष यानी गोष्ट यानी छोटे छोटे गांव। घोषों की शोभा है वन और वनों की शोभा है गौवें। ये गौवें ही हम लोगों का एकमात्र सहारा है। सो कृष्ण अंत में सलाह देते हुए बोले, अतः अब हम दूसरे वन में चलें जहाँ नई नई घास और ईंधन की अधिकता हो। हमारी गौवें उन नई नई घासों को चरना चाहती है जो अब तक चरी नहीं गई हैं। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 8 श्लोक 8-18। उपरोक्त सारे श्लोक कृष्ण के बचपन के ही प्रकट होने वाली प्रज्ञा को दर्शाते हैं। ये जो सारे श्लोक हैं वो कृष्ण के बचपन में ही प्रकट होने वाले बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं। ये इस बात के प्रमाण है कि परिस्थितियों को समय रहते भांप लेने की प्रज्ञा उनमें बचपन से ही विकसित होने लगी थी। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।